लोकसभा में पास हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 के खिलाफ देश भर की डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। सुबह 6 बजे से शुरू हुई हड़ताल गुरुवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। देश भर में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल की वजह से ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद हैं। आपको बता दें, देशव्यापी हड़ताल में लगभग 3 लाख डॉक्टर शामिल हैं। ऐसे में हड़ताल के कारण मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान डॉक्टर ओपीडी सेवाएं नहीं देंगे, जबकि हर तरह की इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम के मेहरबान होने से एक तरफ जहां इंसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर मवेशियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नगर निगम प्रशासन नालियों के भराव पर बारिश से पहले अगर ध्यान देता तो आज नगरवासियों को भारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लोगों ने अच्छी बारिश के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, जहां लोगों की दुआ और पूजा अर्चना से खुश होकर इंद्रदेवता बरस तो गए, लेकिन इसका असर आम आदमी के जीवन पर किस तरह पड़ रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नालियों की साफ सफाई न होने की वजह से मोहल्लों में, लोगों की दुकानों में, घरों में इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन मौन है। कई बार नगर निगम को अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका सामना आज नगरवासियों को करना पड़ रहा है। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को लेकर भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। इंदौर शहर के पटवारी ने कहा है कि भाजपा के सभी सदस्य इधर उधर के बयान दे रहे हैं। अभी तो 2 विधायक ही आए हैं, वरना 4 से 5 और आ जाएंगे। भाजपा के सदस्यों का कहना है कि 1 और 2 नंबर का आदेश हो तो 24 घंटे में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देंगे और इंदौर के नेता, विदिशा और बुधनी वाले नेता के साथ ही भाजपा के सभी नेताओं से कहना है कि इस तरह के बयानों से परेशान होकर अभी तो भाजपा के 2 ही विधायक कांग्रेस के समर्थन में आए हैं। यदि इन नेताओं ने बयानबाजी बंद नहीं की तो 4 से 5 और आ जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बिल पर मत विभाजन की स्थिति बनी थी। उस समय भाजपा के 2 विधायकों ने कमलनाथ सरकार का समर्थन करते हुए बिल के पक्ष में वोट दिया था। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठाने का आदेश दिया है। भाजपा जनादेश का सम्मान करे और विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कहा कि विदिशा वाले भाई साहब की कोई सुन नहीं रहा। बारिश कुदरत की एक अनमोल धरोहर है, उसे बरसने का काम ईश्वर का है। शिवराज को ऐसे बयान देने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कम बारिश को लेकर शिवराज ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बताया था। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा रोशनपुरा पर हुए आंदोलन के फैसले पर भोपाल न्यायालय पहुंचे। दरअसल रोशनपुरा पर हुए आंदोलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी सहित आधा दर्जन कांग्रेस नेता आरोपी हैं। इन सभी नेताओं पर चक्का जाम, शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज है। कोर्ट के फैसले के बाद पीसी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी की तानाशाह सरकार ने प्रताड़ित करने के लिए आरोप लगाए थे। कोर्ट के फैसले ने न्याय किया है, क्योंकि जो ज्ञापन दिए गए हैं वो जनहित को लेकर दिए गए। पूरा पे चक्का जाम का आरोप लगाते हुए, बलवे का आरोप लगाते हुए तानाशाही सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 15 साल मध्यप्रदेश में राज किया, उसने मुझ पर, माननीय अरुण यादव जी पर, जीतू पटवारी जी मंत्री जी पर और कुणाल चौधरी और कई अन्य लोगों पर ये मुकदमा केस लगाया था। वहीं प्रदेश के जिलों में खुल रहे कार्यालयों पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यालयों की आवश्यकता है, ताकि जनता की समस्या को सुना जा सके। वहीं भोपाल में जल भराव को लेकर नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम निष्क्रिय दिख रहा है। एक न्याय किया है, क्योंकि कोई भी बात जो हम लोग वहाँ अपनी आम जनता की मांगों के लिए बात कर रहे थे, अपने ज्ञापन दे रहे थे, उस समय करके झूठे मुकदमे लगाए गए और इससे सिद्ध होता है कि न्यायालय ने और माननीय न्यायाधीश ने दोष मुक्त करते हुए आज यहाँ न्याय किया है। मैं उनका आभार मानता हूँ। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। भोपाल की रायसेन रोड स्थित लाजपत राय कॉलोनी में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कॉलोनी के बच्चों के लिए नगर निगम के खेल मैदान पर ही ताला चढ़ दिया गया।
इस खेल मैदान पर इन भूमाफियाओं की नजर है और वह इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। भूमाफिया अक्सर इस खेल मैदान पर लोगों को और बच्चों को आने जाने से रोका करते थे, लेकिन इस बार तो उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए दबंगाई की सारी हदें पार कर दी और खेल मैदान पर ही ताला लगा दिया। लाजपत राय कॉलोनी के निर्माण के समय कॉलोनी में खेल मैदान के लिए जमीन सुरक्षित दी गई थी, जिसे बाद में नगर निगम के हवाले कर दिया गया, जहां आसपास की कॉलोनी वाले बच्चे खेला करते थे। लेकिन इन भूमाफियाओं की नजर जब से जमीन पर पड़ी है, तभी से यहां पर बच्चों का खेलना बंद हो गया है। ये बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि साहब, जनता से जुड़ा मामला है, सार्वजनिक मामला है। 3 महीने तक यूसुफ फैयाद, रुखसाना समीउल्ला खान, सैफू फराज 6 लोगों ने मिलकर मेन गेट पर जबरन ताला डाल दिया है, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग आक्रोश में हैं। ये लोग अपनी चलाते हैं, कोई भी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी नगर निगम का, पुलिस प्रशासन का जाता है तो कहते हैं स्पष्ट है। अगर स्पष्ट था तो इसने समीन रिहान पार्षद ने मिट्टी को डलवा दी, जेडो ने मिट्टी को डलवा दी, 11 के शैलेन पारे जी ने बेंचे को रखवा दी। हर चीज का इनके लिए स्टे नहीं है, बाकी हाथा मनकशा के लोग और बच्चे जाते तो मेन गेट में ताला डाला हुआ, जिसकी हमने अनेकों जगह, सैकड़ों जगह पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आवेदनों के माध्यम से सब जगह दे दीजिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज आए थे SDM साहब ने किया देखते, मगर हमें ये पूछना चाहते हैं, जब शासन का, न्यायालय का, पुलिस प्रशासन या नगर निगम का ताला नहीं है तो ये लोग असामाजिक तत्व क्यों ताला डाले हुए? इन्होंने अपने घर के आगे पार्क की आड़ में, खेल मैदान की आड़ में रसूखदार लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, 20-20 फीट इन्होंने कब्जे कर रखे, उसको भी फोटो दिए, और इनके कई जगह केस चल रहा है और वो चल रहा है। हम चाहते हैं इसमें हमें न्याय मिले। अगर हम लोगों को, क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिला तो 2-4 दिन में हम लोग रोड के ऊपर आके रायसीन रोड बंद करके चक्का जाम करके पूरे वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाएंगे और कहेंगे अपनी आंख से देखिए और ये हमारे न्याय दिलवाइए, और जिन्होंने कराए उनके भी कानूनी कार्रवाई करके FIR करेंगे। दोबारा क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं करें। ये वार्ड नंबर 41 जोन क्रमांक 11 का मसला है, इसको ये लोग हल नहीं होने दे रहे। रसूखदार है, पावरदार है, पैसे वाले हैं, जिसकी वजह से गरीब जनता को खेलने से मना कर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम है मोहम्मद मजहर अब्दुल मसरूफ, वार्ड 41 के पूर्व पार्षद अकबर खान, शावर खान, शब्दों के बाण मोहम्मद अजहर फराज, मोहम्मद मंसूर नहीं अब्दुल मसरूर, अब्दुल मंसूर, मोहम्मद मंसूर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला शांति समिति के मेंबर, और कई लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है जल्दी सुलझवा दो मसला, जनता बहुत परेशान है 3 महीने से, और ये इनके रसूख के आगे, इनकी नेतागिरी के आगे, हमारी नहीं मानी गई 2-4 दिन में बातें। हम पूरी जनता, हमारे हमसे आगे कहती हूँ, आंदोलन करेंगे रोड पे, चाहे हमें बंद करते पुलिस प्रशासन कुछ भी करे, लेकिन प्रशासन को आज आखिरी बार चेतावनी दे दी, आगाह किया, अगर आपकी बातें नहीं मानी 2-4 दिन में हम पूरा मेले के बच्चे बूढ़े ये लोग घुसने नहीं देते। पीछे का गेट यूसुफ के घर के सामने का खुला है, मेन गेट में ताला डाला हुआ है, मिट्टी फैली हुई और स्टे है, तो फिर ये काम कैसे हो रहा है? पार्षद समीना रेहान, शैलेन पारे जोन अध्यक्ष और ये 6 लोग और इनके 5-6 साथी और इन्होंने मिलकर 20-20 फीट कब्जा कर रखा है, नगर निगम इनके साथ है और इन्होंने लोगों को परेशान करा। क्षेत्र की जनता बहुत आक्रोश में हमारे पास आती है, हम लोगों के पास, कि भाई आप लोग यहाँ के समाज सेवी लोग हैं, हमारा मसला सुलझ रहा है, अगर मसला नहीं सुलझा हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे, चक्का जाम कर देंगे, फिर वो शासन प्रशासन। कॉलोनी वासियों की माने तो वार्ड 11 के पार्षद समीना रेहाना और जोन अध्यक्ष ने मिलकर अतिक्रमण करवाया है। वहीं भूमाफिया के तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वह है यूसुफ फरियाद, रुखसाना समीउल्लाह खान, शेखू फरियाद सहित 6 लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। वहीं इस मामले में कॉलोनी वासियों ने मिलकर SDM से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया। साथ ही कॉलोनी वासियों ने कहा कि अगर इस पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो वे जल्द ही रायसेन रोड पर मिलकर चक्का जाम करेंगे। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। धार पुलिस व क्राइम ब्रांच को लूट और चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के पास से करीब 28 लाख रुपए की 5 किलो चांदी और 50 मोटरसाइकिल जब्त की है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस की कड़ी कार्रवाई में चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिनके पास करीब 590 मोटरसाइकिल व 5 किलो चांदी बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि धार जिले के कुक्षी बाग तथा टांडा क्षेत्रों में लगातार चोरी लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में धार क्राइम ब्रांच और कुक्षी तथा बाग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में एक गिरोह को धर दबोचा गया।
यह गिरोह धार जिले के अलावा आसपास के सटे हुए अन्य जिलों में भी चोरी लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। क्राइम ब्रांच धार और एसडीओपी की टीम इसमें थाना बाग की टीम काफी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। एक लूट और चोरी का गैंग अरेस्ट किया है, इसमें अभी 7 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें 4 लूट थाना बाग क्षेत्र, उसमें मशहूर का रिकवर हुआ है जिसमें 4.5 किलो चांदी है। धार मध्य प्रदेश से जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट।